गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सम। ये आईआईटी फाउंडेशन क्लास 10 का मैथ्स है, जो लोग शुरू से ही आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनटू करने पे 10 और प्लस करने पे 7 लाना है। तो इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर जैसे करते हैं, ठीक उसी टाइप से करेंगे। ये मॉड एक्स का स्क्वायर। और एक बात और बोलना है कि किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 5x और यहाँ पे लिख दिए 2x प्लस 10। क्योंकि अब यही नंबर क्यों लिखे हो, क्योंकि 5 2 जा क्या होता है 10 और 5 4 2 7, ऐड करने पे 7 है। ये ऐड का साइन है तो ऐड करने पे 7 आना चाहिए। अब इसमें से हम मॉड एक्स को कॉमन ले लेंगे। ये मॉड एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया मॉड एक्स प्लस 5। इसमें से क्या किए, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे भी बच गया मॉड एक्स प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर मॉड एक्स प्लस 5 को कॉमन ले लिए और बच गया मॉड एक्स प्लस 2, हो गया। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से मॉड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो गया मॉड एक्स इक्वल टू -5 और ये मॉड एक्स प्लस 2, तो ये हो गया मॉड एक्स इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखेंगे किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये भी नेगेटिव में आ रहा है, ये भी नेगेटिव में आ रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब इस इक्वेशन का रूट, रूट मतलब आंसर, आंसर मतलब उसका वैल्यू निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव होता ही नहीं है। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो 2 वैल्यू निकलता, प्लस माइनस 5। यहाँ भी पॉजिटिव प्लस 2 आता तो इसका 2 वैल्यू आता, प्लस माइनस 2 आता, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइप का अगर सम देगा तो सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नए सम के साथ। बी गुड एंड डू गुड।